हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ की हिंदी की बुक छितित से चैप्टर नंबर 16 नौबत खाने में इबादत। और इसके राइटर हैं, लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र के लिखे नौबत खाने में इबादत एक प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया एक बायोग्राफी है, व्यक्ति चित्र है। यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना और लगन को भी बड़ी सरल भाषा में, संवेदनशील भाषा में व्यक्त भी किया है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर राइटर कहते हैं कि सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी थी। पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्यूढ़ी, अब वो कहते हैं कि काशी में जो पंचगंगा घाट है वहाँ पर स्थित एक बालाजी का मंदिर है, उस मंदिर की ड्यूढ़ी मीन्स एंट्रेंस, ड्यूढ़ी का नौबत खाना। और ड्यूढ़ी का क्या है, नौबत खाना मीन्स जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं, राइट। और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि, और वहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट बजाए जा रहे हैं उनकी जो मंगल ध्वनि है, जो साउंड है वो निकलती है। अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का है। तो वो आगे क्या कह रहे हैं कि अमीरुद्दीन एक लड़का है, बालक है, जो कि अभी सिर्फ 6 साल का है, और उसका बड़ा भाई जिसका नाम है शमसुद्दीन, जो 9 साल का है, यानी अमीरुद्दीन से उनके भाई शमसुद्दीन लगभग 3 साल के बड़े हैं। अमीरुद्दीन को पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं, और ये लोग हैं मामू जान वगैरह जो बात बात पर भीम, पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। तो अमीरुद्दीन को तो ये पता ही नहीं है कि राग किसे कहते हैं, और उनके जो मामू जान हैं वो हर वक्त बात बात पर भीम, पलासी और मुल्तानी कहते रहते थे। इसका क्या मतलब हो सकता है, इन शब्दों का क्या वाजिब मतलब हो सकता है। इस लिहाज से अमीरुद्दीन की अभी वो उम्र नहीं थी जिससे कि वो इन सभी के मतलब जान सके, राइट। आगे लिखा है कि गोया इतना ज़रूर है कि अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा द्वय सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। तो यहाँ पर ये बात पता चल रही है कि अमीरुद्दीन और शमसुद्दीन के जो मामा थे उनका नाम था सादिक हुसैन और अली बख्श थे, और वो देश के जाने माने शहनाई वादक हैं, शहनाई बजाते थे, विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। और इसके अलावा वो अलग अलग जो रियासत थी उनके दरबार में वो जाते थे शहनाई बजाने के लिए। रोज़ नामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है, और वो अपने डेली लाइफ में बालाजी के मंदिर में भी शहनाई बजाते थे। हर दिन की शुरुआत वहीं ड्यूढ़ी पर होती है, यानी उन लोगों की जो शुरुआत थी वहीं मंदिर की ड्यूढ़ी पर होती है। वहाँ पर जो एंट्रेंस में जो नौबत खाना है वहाँ पर वो शहनाई बजाते थे। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज़ बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। तो राइटर यहाँ कहते हैं कि मंदिर के जो विग्रह हैं उनको भी ये बात नहीं पता होगी कि वो लोग जो रोज़ अलग अलग रागों को सुनते हैं, अलग अलग जैसे मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव, इन रागों को सुनते रहते हैं। ये ख़ानदानी पेशा है अली बख्श के घर का, उनके अब्बा जान भी यहीं ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते हैं। तो राइटर क्या कहते हैं यहाँ पे कि जो अमीरुद्दीन है उनके दो मामा हैं सादिक हुसैन और अली बख्श। तो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि अली बख्श के घर का ये ख़ानदानी पेशा है, और उनके अब्बा जान भी यहीं ड्योढ़ी पर एंट्रेंस पर शहनाई बजाते रहते थे। अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव में हुआ था जो कि बिहार में है, और ये एक संगीत प्रेमी परिवार में इनका जन्म हुआ था। 5-6 साल डुमराव में बिताकर वो नाना के घर आ गए। ननिहाल काशी में था इसलिए वो ननिहाल आ गए। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी। लेखक ये कहते हैं कि डुमराव जो जगह है उसका इतिहास में कोई स्थान है या नहीं ऐसा नहीं लगा कभी भी, पर ये ज़रूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए बेहद यूज़फुल है। शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का यूज़ होता है, रीढ़ अंदर से खोखली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूका जाता है। रीढ़ नरकट यानी एक प्रकार की घास होती है जिससे उसे शहनाई बजाई जाती है, जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। इतनी ही इम्पोर्टेंस है इस समय डुमराव की जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य
बजता है। फिर अमीरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब हैं। यहाँ पर राइटर कहते हैं कि जिस अमीरुद्दीन की बात हम लोग कर रहे हैं वो अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब हैं। उनका नाम जन्म स्थान भी डुमराव ही है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खान डुमराव के निवासी थे। बिस्मिल्लाह खान उस्ताद पैगंबर बख्श खान और मिठन के छोटे साहबजादे हैं। तो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि बिस्मिल्लाह खान जो हैं वो उस्ताद, उनके पिता का क्या नाम था, उस्ताद पैगंबर बख्श खान, और उनकी माता का नाम था मिठन, वो अपने पेरेंट्स के छोटे बेटे थे। राइट, आगे राइटर कहते हैं कि अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल ही है, मसलन बिस्मिल्लाह खान की उम्र अभी 14 साल ही है। वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर जहां बिस्मिल्लाह खान को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। यानी कि जो बिस्मिल्लाह खान थे उन्हें नौबत खाने में रियाज के लिए हमेशा जाना पड़ता था। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का, ये रास्ता था रसूलन बाई और बतूलन बाई का। यानी कि जिस रास्ते से बिस्मिल्लाह खान जाते थे उस रास्ते में रसूलन बाई और बतूलन बाई का घर भी था, वो रोज़ इस रास्ते से होकर जाते थे। इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना बड़ा अच्छा लगता था। इस रास्ते ना जाने कितने तरह के बोल बनाओ, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा के मार्फत ड्योढ़ी तक पहुँचते रहता है। रसूलन और बतूलन जब गाती थी तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती थी। अपने ढेरों साक्षात्कारों यानी इंटरव्यू में बिस्मिल्लाह खान साहब ने ये स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है कि उन्हें अपने जीवन के शुरुआती दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति, जो अट्रैक्शन है, इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली है। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में, वो तो बचपन ही था उनका, तो एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की जो स्लेट पर संगीत की प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उकेरी है। आगे राइटर कहते हैं कि वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्र अंतर्गत सुशीर वाद्यों में गिना जाता है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी या नरकट या रीड होती है को नहीं बोलते हैं। अब राइटर शहनाई के बारे में बता रहे हैं कि वो किस तरह का वाद्य है। राइट, तो वो कहते हैं कि अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले एक वाद्य जिसमें नाड़ी यानी नरकट या रीड होती है उसको नय बोलते हैं, और शहनाई को शाह नय यानी सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी एवं मूर्छंग आदि का वर्णन आया है। अब राइटर यहाँ पे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता रहे हैं। राइट, आगे वो कहते हैं कि अवधि पारंपरिक लोक गीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला ये वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। अब जो शहनाई है वो राइटर कहते हैं कि जो अवध है, अवध की जो परंपरा है, जो लोक गीत है वहाँ की, और चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। राइट, और शहनाई जो है इन्हीं जगहों पर मांगलिक जो कार्य होते हैं वहाँ पर बजाए जाते थे। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। अब दक्षिण भारत में जब भी शादियाँ होती हैं तो वहाँ पर एक लकी के तौर पे एक मंगल ध्वनि के लिए शहनाई को ही बजाया जाता है। राइट, शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खान साहब 80 साल से सुर मांग रहे हैं, सच्चे सुर की नेमत मांग रहे हैं। 80 बरस की पांचों वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है, क्योंकि बिस्मिल्लाह खान एक मुसलमान थे और वो अपनी 5 वक्त की नमाज वो पढ़ा करते थे, लेकिन इन 5 वक्त में वो अपने सुर को अच्छा करने की मांग करते थे, अच्छा करने की प्रार्थना करते थे। राइट, लाखों सजदे वो किए इसी एक सच्चे सुर की इबादत में, खुदा के आगे झुकते हैं, वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं कि मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वो तासीर पैदा कर कि आँखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए।
उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकाल कर उनकी ओर उछालेगा, फिर कहेगा ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। राइटर यहाँ पर कहते हैं कि अमीरुद्दीन यानी बिस्मिल्लाह खान को ये यकीन था कि खुदा कभी ना कभी उन पर मेहरबान होंगे और उन्हें सुर जो है वो अच्छे सुर उन्हें ज़रूर देंगे और उनकी मुराद पूरी होगी। आगे राइटर कहते हैं कि अपने ऊहापोहों से बचने के लिए हम खुद भी किसी के शरण जाते हैं या किसी गुफा को खोजते हैं जहां पर हम अपनी चिंताओं अपनी दुर्बलताओं को छोड़ सकें और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिश्म गढ़ सकें। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक यानी जिसकी खुशबू जो है उसी में समाई है। कस्तूरी यानी कस्तूरी की जो महक होती है खुशबू होती है वो उसी की नाभि में होती है लेकिन वो पूरा एरिया वो चक्कर लगाती है। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खान यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज़ उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। बिस्मिल्लाह खान और सहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वो मुहर्रम है। मुहर्रम का महीना वो होता है जिसमें सिया मुसलमान हज़रत इमाम हुसैन और उनके कुछ वंशजों के प्रति अजादारी यानी शोक मनाते हैं। पूरे 10 दिन वो शोक मनाते हैं। वे बताते हैं कि उनके ख़ानदान का कोई भी व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई बजाता है ना ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है। 8वीं तारीख उनके लिए ख़ास महत्व की है। 8वीं तारीख बहुत इम्पॉर्टेंस डे होती है। इस दिन खान साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं व दाल मंडी में फातिमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता, राग रागिनियों की अदायगी का निषेध है इस दिन यानी मनाही है। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती है, आज़ादारी होती है, राइट यानी शोक मनाया जाता है। हज़ारों आंखें नम होती हैं, 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित हो जाती है। मुहर्रम संपन्न होता है, एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। आगे राइटर कहते हैं कि मुहर्रम के गमजदा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के पलों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। वे अपने रियाज को कम याद करते हैं, उन दिनों के अपने जुनून को ज़्यादा याद करते हैं। अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम, पक्का महाल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान व गीता बाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। अब गीता बाली और सुलोचना कौन है, हीरोइन थी उस समय की, राइट। तो कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी, बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। खान साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही खिस से हंस देने की ईश्वरी कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। तो राइटर यहाँ कह रहे हैं कि खान साहब की जो आंखें हैं वो अनुभवी हैं और जल्दी ही वो तुरंत वो हंस देते थे और ये ईश्वरी कृपा है और जो कि आज भी बदस्तूर कायम है यानी वो जल्दी से हंस देते हैं, राइट। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बनते हैं। वे जब भी उनका जिक्र करती तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में उनकी आंखें चमक उठती हैं। यानी कि अमीरुद्दीन यानी कि जो हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैं वो जब भी अपने पुराने दिनों को याद करती थी उनकी आंखें चमक उठती थी। अमीरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा, छुप कर जब वो नाना को शहनाई बजाते हुए सुनते थे। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर उनके नाना चले जाते तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढते थे और एक एक शहनाई को फेंक कर वो खारिज करते जाते। वो सोचते कि लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और ही रखते हैं। जब मामू अली बख्श यानी अमीरुद्दीन के मामा जिनका नाम था अली बख्श जो उस्ताद भी थे, जब वो शहनाई बजाते हुए सम पर आते तब धड़ से एक पत्थर ज़मीन पर वो मारते थे। सम पर आने की तमीज़ उन्हें बचपन में ही आ गई थी मगर बच्चे को ये मालूम नहीं था कि दाद वाह करके दी जाती है, सिर हिला कर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं दी जाती। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या। उस समय थर्ड क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। अमीरुद्दीन 2 पैसे
मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेते थे, फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करते थे। आगे राइटर कहते हैं कि इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आती और उधर अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चले जाते फिल्म देखने के लिए। और उनकी कमाई कहाँ से होती थी? बालाजी मंदिर पर वो रोज़ शहनाई बजाते थे और उससे जो उन्हें मेहनताना मिलती थी वो उसे लेकर ही सुलोचना की नई फिल्म देखने सिनेमा हॉल चले जाते थे। 1 अठन्नी मेहनताना और उनकी सैलरी थी 1 अठन्नी। उस पर ये शौक ज़बरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म ना छूटे। और कुलसुम की देसी घी वाली जो दुकान थी वहाँ पर वो उस कचौड़ी बहुत ही पसंद करते थे, तो वो भी नहीं छूटनी चाहिए। संगीतमय कचौड़ी इस तरह क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी उस समय छन से उठने वाली आवाज़ में उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। तो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि यहाँ पर संगीत में कचौड़ी बताया गया है, ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी कुलसुम जो कलकलाते घी में जब भी वो कचौड़ी डालती थी तो उस समय जो आवाज़ उठती थी छन से, तो इससे इस आवाज़ से बिस्मिल्लाह खान को सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे, यानी ये साउंड उन्हें बहुत ही अच्छी लगती थी। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होंगी, मगर इतना तय है कि अपने खान साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं और इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी है। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। ये आयोजन पिछले कई वर्षों से संकटमोचन मंदिर में होता आया है। ये मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। तो यहाँ पर राइटर क्या कह रहे हैं कि काशी जो जगह है वहाँ पर संगीत के आयोजन होती थी, जो कि एक प्राचीन और अद्भुत परंपरा है। और ये आयोजन पिछले कई सालों से, कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। और ये मंदिर जो है वो शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है और हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती और इस सभा में बिस्मिल्ला खान अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति बिस्मिल्ला खान अत्यधिक समर्पित थे, लेकिन उनकी श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार थी। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुख करके बैठते थे। थोड़ी देर ही सही, मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बसती है। खान साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती थी, तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते थे। अक्सर कहते हैं, क्या करें मियाँ, इकासी छोड़कर कहाँ जाए, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, यहाँ हमारे ख़ानदान की कई पुस्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो वहीं बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाई वाज रह चुके हैं। अब हम क्या करें, मरते दम तक ना ये शहनाई छूटेगी ना काशी। जिस ज़मीन ने हमें तालीम दी, जहाँ से हमने अदब पाई, वो कहाँ और मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। ये कौन कहते थे? ये उस्ताद बिस्मिल्ला खान कहते थे। आगे राइटर कहते हैं कि काशी संस्कृति की पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ हैं। काशी में बिस्मिल्ला खान है। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधरी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजुद्दीन खान हैं व इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जन समूह है। यह एक अलग काशी है, जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोग हैं। इनके अपने उत्सव हैं, अपना गम है, अपना सेहरा बनना और अपना नौहा। आप यहाँ संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्ला खान को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। तो यहाँ राइटर काशी की खूबसूरती यहाँ बयान कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि अक्सर समारोहों एवं उत्सवों में दुनिया कहती है ये बिस्मिल्ला खान है। बिस्मिल्ला खान का मतलब बिस्मिल्ला खान की शहनाई, शहनाई का तात्पर्य, शहनाई का मीनिंग, बिस्मिल्ला खान का हाथ, हाथ से आश्रय इतना भर कि बिस्मिल्ला खान की भूख और शहनाई की जादुई आवाज़ का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। शहनाई में सरगम भरा है, खान साहब को ताल मालूम है, राग भी मालूम है, ऐसा नहीं कि बेताले जाएंगे।
शहनाई में सात सुर लेकर निकल पड़े। शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया, शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े। दुनिया कहती सुभान अल्लाह, तिस पर बिस्मिल्लाह खान कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, यानी सारी तारीफें ईश्वर के लिए। छोटी छोटी ऊपर से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है। शहनाई का करतब शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खान का संसार सुरीला होना शुरू हुआ। फूंक में अजान की तासीर उतरती चली आई। देखते देखते शहनाई डेढ़ शतक के साज से दो शतक का साज बन साजों की कतार में सरताज हो गई। अमीरुद्दीन के शहनाई गूंज उठी, उस फकीर की दुआ लगी जिसने अमीरुद्दीन से कहा था बजा बजा। किसी दिन एक शिष्या ने डरते डरते खान साहब को टोका, कहा बाबा आप ये क्या करते हैं, इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, इतने फेमस हैं आप, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, ये फटी तहमद ना पहना करें। यानी यहाँ पर जो बिस्मिल्लाह खान है उनको भारत रत्न भी मिल चुका है, अच्छा नहीं लगता, जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। खान साहब मुस्कुराए और बड़े लाड से भरकर बोले, धत पगली, ये भारत रत्न हमको सहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। तुम लोगों की तरह बनाओ सिंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती, हो चुकती शहनाई, तब क्या खाक रियाज हो पाता। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बताए देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सुर ना बक्से, लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। सन 2000 की बात है। पक्का महाल यानी काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका से मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके हैं। खान साहब को इसकी कमी खलती है। अब देशी घी में वो बात कहाँ और कहाँ वो कचौड़ी जलेबी। खान साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है उन सभी चीज़ों की। अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। खान साहब अफसोस जताते हैं, अब घंटों रियाज को कौन पूछता है। हैरान है बिस्मिल्लाह खान, कहाँ वो कजली चैती और अदब का ज़माना था। सचमुच हैरान करती है काशी। पक्का महाल से जैसे मलाई बर्फ गया, संगीत साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गईं। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खान साहब को इन सब की कमी करती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खान एक दूसरे के पूरक रहे हैं, उसी तरह मुहर्रम ताजिया और होली अबीर गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है और उसी की थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है, काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जैसा लय और सुर की तमीज सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा। ये राइटर कह रहे हैं। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अजय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खान साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खान साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। तो राइटर ने यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान की बायोग्राफी भी बताई है और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें शहनाई के बारे में भी उन्होंने हमें बताया है, और साथ में काशी की खूबसूरती के बारे में भी हमें इस चैप्टर में बताया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आई होगी। समझ में आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।